हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को छोटा सा जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप सभी ऑनलाइन या तत्काल टिकट मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, जो भी चीज़ से अगर आप बुकिंग करते हैं, तो आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता होगा टिकट बुकिंग के दौरान, और आप लोग यूज़ भी करते होंगे उन सभी ऑप्शनों को कि कैसे क्या यूज़ करके क्या क्या होता है। सेम इसी तरह से आप अगर रेलवे का रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर अगर टिकट बुकिंग करवाते हैं, तो आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि बहुत सारे ऐसे अधिकतर लोग हैं जो उस फॉर्म को फिलअप करना नहीं जानते हैं। तो फिलहाल उस टॉपिक, मतलब फॉर्म कैसे भरा जाता है, वो तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट भी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं है कि उस फॉर्म के ऊपर में जो ऑप्शंस होता है, उस ऑप्शन का यूज़ करके क्या होता है, क्या फ़ायदा मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो उस ऑप्शन को टिक आउट नहीं करते हैं, बस उसको नज़रअंदाज करके अपना, मतलब डिटेल्स फिल, पर्सनल डिटेल्स फिल करके, वो वेटिंग टिकट लेना तो वेटिंग टिकट, और कन्फर्म टिकट लेना होता तो कन्फर्म टिकट वो बुकिंग करवा लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप ये ऑप्शन यूज़ करना जान जाते हैं या आपको पता चल जाता है, तो आपको इस ऑप्शन को यूज़ करके आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। या आप अगर वेटिंग टिकट बुकिंग करवाते हैं तो आपका सीट कन्फर्म भी हो सकता है, अगर इस ऑप्शन का अगर आप यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ वो कौन सा ऑप्शंस है, ठीक है, जिस ऑप्शन के थ्रू आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा ऐसा ऑप्शंस है जिसको आप यूज़ करके आप कंफर्म टिकट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये रेलवे का रिजर्वेशन फॉर्म है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है, खास करके जो लोग वेटिंग टिकट बुकिंग करवाते हैं काउंटर पर जाके, या आरएसी टिकट, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इस ऑप्शन के बारे में अगर वो जान जाते हैं तो। ये जो आप देख पा रहे हैं कि रेलवे के जो रिजर्वेशन फॉर्म है, ये कैंसिलेशन फॉर्म है, जो भी है, इसमें दो टाइप का वर्ड होते हैं, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में, ठीक है। तो मैं हिंदी वाला टाइप करके आपको बता रहा हूँ, सेम इसी तरह से आप इंग्लिश में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में आप देख पा रहे हैं कि यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया बॉक्स में सही का निशान लगाएं, मतलब आपात स्थिति में आपसे मदद ली जा सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्टर रिजर्वेशन करवा रहा है, वो ये वेटिंग या कन्फर्म, तो वो इसमें टिक आउट कर दे, ताकि बाई चांस ट्रेन के अंदर में किसी की तबीयत खराब होता है तो इनसे उनका मदद करवाया जा सकता है। इसलिए रेलवे, मतलब ये सबसे पहले में इनका लिस्ट ऐड करके रखा है, ताकि इसमें टिक कर दे, तो जो डॉक्टर है वो इन पर टिक कर सकते हैं। यदि आप दूसरा नंबर ऑप्शन जो है, यदि आप गर्भवती महिला है और आप, मतलब और कोटे के अंतर्गत बर्थ आरक्षित कराना चाहती है, तो कृपया बॉक्स में सही का निशान लगाए, यदि हो तो कृपया पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। इसका कहने का मतलब यह है कि कोई गर्भवती महिला है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, अगर वो टिकट बुकिंग करवाना चाहती है, तो वो अपना प्रमाण पत्र के साथ रिजर्वेशन कराएं, जिससे उनको कन्फर्म सीट मिलेगा, 100% कन्फर्म सीट मिलेगा प्रेग्नेंट वुमेन लोगों के लिए, ठीक है। और तीसरा नंबर देखिए, यदि आप वरिष्ठ रियायत चाहते हैं, तो कृपया बॉक्स में हाँ या ना लिखें, कृपया वर्तमान रेलवे नियमों के अंतर्गत प्रभार से बचने के दौरान आयु का प्रमाण पत्र दें। जैसे कि ये सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी सीनियर सिटीजन कोटा अभी बंद कर दिया गया है, इसमें अभी कोई 100% 50% का डिस्काउंट नहीं मिल रहा, तो ये सीनियर सिटीजन अभी इसमें टिक आउट करके भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से अभी सीनियर सिटीजन कोटा को बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद चौथा नंबर में, पांचवा नंबर में आप देख सकते हैं, क्या आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं, तो कृपया बॉक्स में हाँ या नहीं लिखें, यदि इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो पूरे किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों को स्वयं अपग्रेड किया जा सकता है। देखिए, ये जो ऑप्शन है आप लोगों के लिए मोस्ट ऑप्शन है, मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये कहना ये चाहता है कि अगर आप कोई भी टिकट बुकिंग करवाते हैं, अगर वेटिंग में, ठीक है, वेटिंग में, वो चाहे एसी में बुकिंग कराए या स्लीपर में बुकिंग करवाए, तो कहने का मतलब ये है, रेलवे ये कहना चाहती है कि अगर आप वेटिंग टिकट बुकिंग करवाते हैं, तो आप जो फेयर, मतलब जो अमाउंट पे करते हैं, वही अमाउंट में आपका जो टिकट है आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं चार्ट प्रिपेयर के दौरान, अगर आपका स्लीपर में सीट खाली नहीं है, तो आपको एसी में भी आपको सीट मिल सकता है, मतलब थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, किसी में भी आपको अपग्रेड कर दिया जाता है इस ऑप्शन का अगर यूज़ करते हैं तो। आपको वही फेयर में आपको एसी का भी सफ़र कर सकते हैं उसी फेयर में, ठीक है। इसके बाद छठा नंबर, यदि आप विकल्प योजना के अंतर्गत अन्य वैकल्पिक गाड़ियों में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो कृपया बॉक्स में हाँ या ना लिखें, केवल प्रतीक्षा सूची टिकट के लिए विकल्प की चुने, जो गाड़ी खुलेगी 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे के अंदर। देखिए, ये जो ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन बहुत बेस्ट है,
जैसे ये भी देखिए इसमें दिखाया जा रहा है कि केवल वेटिंग टिकट के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई गाड़ी में वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिएगा बुकिंग कर मतलब ऑनलाइन में तो जो सिस्टम है ही, लेकिन ऑफलाइन में भी सिस्टम दे दिया है कि अगर आप वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं कोई गाड़ी में, ठीक है, जिस रूट में आप जाना चाहते हैं उस रूट में बहुत सारी ट्रेनें होती है, तो आप अगर वेटिंग बुकिंग कराते वक्त चाहते हैं कि जाने दीजिए, अगर आज बुकिंग नहीं हुआ हमारा कन्फर्म कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, मतलब आपका वही किराया में, आपका वही फेयर जो पेड किया रेलवे को, उसी फेयर में आप आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मतलब 48 घंटे का तक का रेलवे सफर देती है। अगर आपका वेटिंग कन्फर्म नहीं तो दूसरा दिन आपका वेटिंग कन्फर्म हो सकता है या तीसरा दिन आपका टिकट कन्फर्म हो सकता है, या मतलब उसी ट्रेन में या किसी और दूसरी ट्रेन में, ठीक है। इसके बाद सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि यदि आप गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की तृतीय श्रेणी, वातानुकूलित श्रेणी या दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन की स्लीपर श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं तो आप गाड़ी में बेडरोल चाहते हैं तो बॉक्स में हाँ या ना लिखें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि उधर बीच में कोरोना काल के दौरान मतलब बेडरोल नहीं दिया जाता था, तो अब दिया जा रहा है, इसीलिए इस ऑप्शन को रेलवे फिर से इशू कर दिया है कि अगर आप बेडरोल मतलब तकिया कंबल चादर वगैरह जब अगर आप चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में हाँ मतलब यस कर दें तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्योंकि दुरंतो एक्सप्रेस जो होता है उसमें स्लीपर क्लास भी, बहुत सारे ऐसे दुरंतो है जिसमें स्लीपर क्लास ही होती है, ठीक है, तो आप दुरंतो एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास में भी अगर आप बेडरोल लेना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स में टिक आउट करके आप अपना बेडरोल मंगा सकते हैं, वही फेयर में उसी अमाउंट में आपको सब कुछ मिल सकता है। बस यही सब ऑप्शन है जो आपको यूज़ करना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही फॉर्म भर के फिलअप करके अपना टिकट बुकिंग करवा लेते हैं, लेकिन ऐसा ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो उनको कन्फर्म सीट, उनको कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। सो आई होप कि आप सभी को हमारा ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते हैं कि हमारा अगला वीडियो तक पहुँचे।